आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ टमेटो, इसका ओरिजिन, एरिया, प्रोडक्शन, वेराइटीज, कल्टीवेशन, कब लगाया जाता है, टाइम एंड सोइंग, ट्रांसप्लांटेशन कब होता है, प्लांटिंग डिजीज क्या क्या आते हैं, और फर्टिलाइजर कौन से उपयोग होते हैं, इरिगेशन कब देना है, कौन से खरपतवार आते हैं, हार्वेस्टिंग कब होता है, स्टोरेज कब किया जाता है, और कितने डिस्टेंस में लगाई जाती है। टमेटो, इसका हिंदी नाम टमाटर है। आप देहात में सुने होंगे इसे बिलाती भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम है और यह सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोजोम नंबर जो होता है 2n=24 होता है। डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर 24 होता है, हेप्लोइड उसका हाफ हो जाएगा 12। और इसका जो ओरिजिन है पेरू और कहीं कहीं मैक्सिको भी लिखा रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टमेटो, टमेटो इज वर्ल्ड नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल। प्रोसेसिंग वेजिटेबल इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग इसका किया जाता है, इसको सबसे ज्यादा बनाया जाता है, सब्जी में सबसे ज्यादा डाला जाता है। और इसका जो वो देखभाल होता है, मतलब जब सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो इसका प्रोसेस होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग वेजिटेबल कहा जाता है। टोमेटो का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लाइकोपीन प्रेजेंट रहता है। टोमेटो का सबसे ज्यादा लाल कलर 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर में आपको मिलेगी, और जब टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो रेड कलर जो होता है टोमेटो का वो चेंज होने लगता है। अबाउट 33% कल्टिवेटेड टोमेटो वेराइटीज आर हाइब्रिड विच आर मच हायर देन अदर वेजिटेबल्स। सबसे ज्यादा जो हाइब्रिड वेराइटी होती है टोमेटो की होती है, जो 33% अभी तो उससे ज्यादा हो चुका होगा। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग इज डन ओनली इन इनडिटर्मिनेंट वेराइटीज। इनडिटर्मिनेंट वेराइटी जो होते हैं कि जो सीधा बढ़ते जाता है, लंबा होते जाता है, उसको हम लोग सिंगल स्टेप मेथड की मदद से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटीज इंट्रोडक्शन, जो बाहर के वेराइटी आए हुए हैं इंडिया में कल्टिवेट किए जाते हैं, उसमें है रोमा है, बेस्ट ऑफ ऑल है, टिप टॉप है, मार्वेल है, मनी मेकर है, अगेती है। ये सब जो वेराइटी होते हैं वो बाहर से इंडिया में कल्टिवेट किए जाते हैं, है ना। जैसे कि उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेलेक्शन वेराइटी की, जिसमें कि सेलेक्ट किए जाते हैं, इम्प्रूव वेराइटी इसमें आते हैं, कौन कौन से अच्छी वेराइटी है उसको एक साइड किया जाता है। इसमें जैसे कि आते हैं पंत बहार, सोनाली है, अर्का विकास है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी की, जो टमाटो की 33% हाइब्रिड वेराइटी है, जो हम लोग पहले ही पढ़े थे। इसमें बात करते हैं पूसा अर्ली ड्वार्फ की है, पूसा रूबी है, पूसा गौरव है। इनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड वेराइटी भी है, प्राइवेट कंपनियां जो हाइब्रिड वेराइटी डेवलप किए हुए हैं, उसमें है नवीन है, अविनाश है, मीनाक्षी है। ये अच्छे किस्म के वेराइटी होते हैं जो प्राइवेट कंपनी से डेवलप्ड होती है। इसके बाद हम देखेंगे इनडिटर्मिनेंट टाइप, इसमें पूसा रूबी वेराइटी आती है, अर्का सौरभ आता है, अर्का विकास आती है। ये सारे वेराइटी इनडिटर्मिनेंट टाइप में आते हैं, जो एक ही सीधा में बढ़ता रहता है, जो पौधा उसके ही को इनडिटर्मिनेंट टाइप कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट वेराइटीज हैं, जैसे कि पूसा शीतल, ये लो टेम्परेचर रीजन में उगाया जाता है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ ये वेराइटी लगाई जाती है। उसके बाद जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं पूसा H1 वेराइटी है। उसके बाद जहाँ सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, वहाँ पे लगाते हैं पूसा सदाबहार वेराइटी। ये जो सारे वेराइटीज आपको यहाँ दिख रहे हैं, हिसार, अरुण, फ्लेवर फेवर, अर्का विकास, ये कुछ कुछ वेराइटी यहाँ पे आपको देखेंगे, जिसमें कि वहाँ पे उसके कंडीशन भी लगाए हुए हैं, जैसे कि कौन से वेराइटी कहाँ लगाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग को सूटेबल फॉर ड्रॉट कंडीशन, अब जहाँ पानी नहीं वहाँ पे हम लोग अर्का विकास लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल के। टमाटो के लिए हॉट वेदर क्लाइमेट चाहिए और इसमें टेम्परेचर जो होना चाहिए ओवरऑल 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पोलिनेशन और जर्मिनेशन के लिए होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब सबसे ज़्यादा आपका फूड सेटिंग रात में होता है 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर में, नाइट में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रेड कलर होता है टमाटर में वो लाइकोपीन के प्रेजेंट से होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको 21 से 24 डिग्री सेल्सियस
में मिलेगा और धीरे धीरे घटने लगता है एबव 27 डिग्री सेल्सियस में। टमाटो जो है वो वैरायटी ऑफ सॉइल में उगा सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को वेल ड्रेन सॉइल और उसमें अगर रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो हमें हाई यील्ड मिलता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो तो। और जो अर्ली वैरायटी जो होते हैं टमाटो के, उसमें सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छा होता है। जो सॉइल का पीएच होना चाहिए टमाटर उगाने के लिए वो आपका 6 से 7 पीएच होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए आपको टमाटर उगाने के लिए। अब हम बात करेंगे टमाटो को कौन से सीजन में उगाया जाता है। टमाटो को जनरली हम लोग 3 सीजन में उगा सकते हैं, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या ठंडा हो, हम लोग 3 सीजन में उगा सकते हैं। जैसे कि रेनी सीजन में हम लोग जून एंड जुलाई में लगाते हैं, और विंटर सीजन में हम लोग सितंबर और अक्टूबर में, और समर सीजन में हम लोग जनवरी और फरवरी में लगाते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया होते हैं उसमें हम लोग हाइट के अनुसार लगाते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हिली एरियाज में, जैसे कि हाइट अगर कम हो तो हम लोग फरवरी और अप्रैल में लगाते हैं, अगर हाइट अगर ज़्यादा हो तो हम लोग मार्च और अप्रैल के महीने में लगाते हैं। टमाटो का जो सीड रेट होता है वो आपका नॉर्मल सीड, जैसे जनरल सीड के लिए होता है 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, और हाइब्रिड सीड वहीं आपको 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अब हम लोग बात करेंगे नर्सरी प्रैक्टिस की, टमाटो को नर्सरी में कैसे उगाया जाता है। हम लोग को 1 हेक्टेयर लैंड के लिए हम लोग 200 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं टमाटो का बेड बनाने के लिए, और जो बेड का साइज रहता है 7.5 मीटर लॉन्ग रहता है, 1 से लेकर 1.2 मीटर वाइड रहता है और 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट उसका रहता है। और हम लोग उस बेड में FIM हम लोग 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर के दर से डालेंगे। उसके जो टॉप सॉइल ऊपर वाले सरफेस का जो सॉइल होता है उसमें मिक्स करके अच्छे से डालेंगे, जिसमें हम लोग ½ kg NPK डालेंगे, जो हम लोग सोइंग करने से 10 दिन पहले डालेंगे, एटलीस्ट 10 दिन पहले। और जो हम लोग जो सो करेंगे, आइदर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं और एक लाइन सोइंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, एट अ डिस्टेंस के 7.5 सेंटीमीटर दोनों रो के बीच में होना चाहिए। और इसमें हम लोग जैसे सो कर लिए उसके बाद हम लोग हल्का ऊपर से मिट्टी या मैन्यूर अच्छा से ढक दें। नर्सरी के दौरान अगर कोई भी फंगिसाइड लग जाता है तो हम लोग मैंकोजेब फंगिसाइड यूज करते हैं, वो 2 से 3 दिन के आराम से रिजल्ट दे देता है। जो प्लांट का ट्रांसप्लांटिंग होता है लगभग 4 to 6 वीक के बाद ही होता है, ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है प्लांट का मेन फील्ड में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।